उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक यात्री बस में आग लग गई। दरअसल बस के ऊपर एक हाई टेंशन तार गिर गई, जिसके चलते इस बस में आग लगी। बताया ये जा रहा है कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बस में कई यात्री मौजूद थे। हादसे में घायल हुए यात्रियों का इलाज मऊ के अस्पताल में चल रहा है। इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती है कि यात्री बस में जा रहे हो और अचानक हाई टेंशन तार जो है वो उनकी बस के ऊपर गिर जाए। आप देख सकते हैं आग कितनी तेजी से फैली, करंट लगने से लोगों की जान गई, झुलस गए लोग। और कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही है, हालांकि ये अब जांच का विषय है, लेकिन बहुत दुखद है। बस में मौजूद 7 यात्रियों की मौत हो चुकी है। कई यात्री जो है वो झुलस गए हैं, जिनका इस समय अस्पताल में उपचार चल रहा है। आलोक कुमार जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, सबसे पहले तो मुझे घायलों की स्थिति बताइए, और ये जो पूरा हादसा हुआ है ये किसकी लापरवाही है? क्या वो तार पहले से लटक रही थी, गांव वालों ने शिकायत की थी, क्या कुछ है, ये पूरा मामला बताइए। जी, मैं बता दूं कि ये बारात जो है मऊ जिला से यहाँ पे महार धाम है, जो शिव का धाम है, वहाँ पे बस से बारातियों से भरी बस जो है यहाँ जा रही थी विवाह कराने के उद्देश्य से, और लगभग 40 से 42 लोगों के आसपास इसमें बस में जो है बाराती बताए जा रहे थे कि बच्चे और तमाम महिलाएं और सभी लोग यहाँ थे। और अचानक जो है यहाँ पे नहर है, जो मेन रास्ते छोड़कर बस वाले जो है एक पगडंडी के रास्ते पकड़ लिए थे जो नहर है, और नहर से होते हुए सीधे जो है वो महार धाम की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद जो हाई टेंशन तार है उस नहर को जो है क्रॉस कर रही थी, और निश्चित तौर से वो बहुत नीचे थी, जिसकी चपेट में आने से अचानक जो बस में बारातियों से भरी थी उसमें आग लग गई। और आग लगने के बाद जो उसमें से 3-4 लोग जो है तत्काल निकल गए थे, लेकिन बाकी लोगों के झुलसने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि है, ये लापरवाही का मामला बस ड्राइवर का भी है, जो मेन रोड को छोड़कर इस तरीके की सड़क को पकड़ लेता है जहां पर हाई टेंशन तार नीचे थी। और देखिए, बारात जा रही थी, खुशी का मौका था, और किस तरीके से 7 लोगों की जान चली गई। Z News.